जान रहे हैं कि हिंदू समाज पार्टी का एक ही लक्ष्य इस्लाम मुक्त भारत, जिसे खुले रूप में कहें तो मुसलमान मुक्त भारत। ना हम कुरान को मानते हैं हिंदू समाज पार्टी वाले, और ना हम किसी तरह के आयात और सुरा को मानते हैं। और इन इस्लामी जिहादियों का, इन मुसलमानों का जो बढ़ता हुआ कदम है, जो जिहाद के ऊपर में है, चाहे वो आपका। अस्सलाम वालेकुम, ये आपके सामने एक वीडियो प्ले किया हमें जो झारखंड के रहने वाले एक हिंदू समाज पार्टी के नाम से ये लोग एक पार्टी बनाए हैं। इनको इस्लाम मुक्त भारत और मुसलमान मुक्त भारत चाहिए, और उसके लिए आगे ये कह रहा है कि उसे तलवार रखेगा, वो AK-47 की फैक्ट्री चलाएगा और इस किस्म की ये बातें कर रहा है। मैं इनसे ये सारे जितने भी ये हिंदूवादी जो यानी कि मुसलमान हिंदू के जो फ़र्क और हिंदू हुकूमत लाने की जो बात कह रहे हैं, इनसे एक मेरा सवाल है। जो हिंदुस्तान के बाहर जो लोग रहते हैं, जैसे अमेरिका में रहते हैं तो वो क्रिश्चियन कंट्री है, या अगर उनके पास सेकुलर मुल्क भी है तो उसके अंदर मेजॉरिटी क्रिश्चियंस की है, उनके लिए अगर ये मैसेज आम हुआ, और अरब कंट्रीज़ में भी ये लोग रहते हैं, यानी कि अरब कंट्रीज़ में हिंदू मुस्लिम सब भी सिख ईसाई सब रहते हैं, अगर वहाँ पे भी वहाँ के लोग इस किस्म के लोगों के मैसेज सुनकर अगर वो अपने मुल्क से हिंदुओं को जाने के लिए कहें तो कैसा रहेगा। ये लोग की वजह से हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के अगर बाहर के भी कंट्रीज है तो अरब कंट्रीज में अगर ये बात सारी दुनिया के अंदर सुनी जाती है, अगर इनकी बात अरब कंट्रीज में सुने जहां पे बहुत सारे हिंदू भाई का बिजनेस है, तो इस किस्म के लोगों से वहां के लोगों को भी बहुत बुरा असर होगा, बल्कि हिंदुस्तान के अंदर भी इनके जो कहने के अंदाज है कि हम AK-47 की फैक्ट्री चलाएंगे कह रहे हैं ये आगे। मैं वो आपके सामने तो प्ले नहीं किया, आप मेरे उसमें सेफ है, ये आपको मैं कभी मैसेज कीजिए मैं बता सकता हूँ। मगर मैं कहना ये चाह रहा हूँ इन संगठन वादियों से कि क्या आप लोग हिंदुस्तान में सुकून से नहीं रह सकते, और ये बीजेपी के भी खिलाफ बता रहे हैं ये साहब, तो क्योंकि ये बीजेपी को सपोर्ट किए, बीजेपी इनका सपोर्ट भी नहीं की, तो क्या बीजेपी के आपके पूरे लोगों को 25 करोड़ या 30 करोड़ लोगों को बाहर कर देगी मुल्क से, या ये साहब के पास इतना दम है कि जो 25-30 करोड़ लोगों को हमारे मुल्क से बाहर करेंगे। मैं इनको ओपन चैलेंज देता हूं सारे हिंदुस्तानियों की तरफ से, इस किस्म के जो बकवास कर रहे हैं ना, और मैं ऐसे बकवास का जवाब अगर हम हिंदुस्तानी जिस दिन उठ के खड़े होकर जवाब देंगे ना, तो उस दिन ये अपने बिलों में फिर से छुप जाएंगे। चंद रोज तो ये छुप गए थे, फिर वापस ऐसे ऐसे बाहर आ रहे। और मैं ये झारखंड हुकूमत से अपील करता हूं कि इस किस्म के बेहुदा लोगों को पकड़ के जेल में बंद करें, ताकि हमारे मुल्क का अमन और चैन सुकून कायम रहे, और ये जलील लोग की तरफ से हम हिंदुस्तानी जो हिंदू हो या कोई भी मुस्लिम हो, कोई भी धर्म को मानने वाला हो, वो अमन चैन से जीना चाहता है, ये इस किस्म के लोगों की तरफ से हमारा सिर्फ माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, अगर हुकूमत इनके ऊपर अर्जेंट कार्रवाई नहीं करेंगी तो ये लोग आगे बढ़ के हमारे माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। इनके साथ कुछ नौजवान जो भटक जा रहे हैं इनके साथ, वो लोग आगे आगे कुछ आलतू फालतू बातें कर रहे हैं। ये झारखंड का रहने वाला है अपने आप को, और ये कशिश टीवी को इंटरव्यू दे रहा है, और उसका जो हिंदू समाज पार्टी यानी कि उसकी जो पार्टी है हिंदू समाज पार्टी है, और कमलेश तिवारी ये एक आदमी है जो इस संगठन का बड़ा बताया जा रहा है। मैं झारखंड हुकूमत से गुजारिश करता हूं कि कमलेश तिवारी पे फौरन एक्शन ले, ताकि इस किस्म के लोग जो जहर फैला रहे हमारे बीच वो खत्म हो, और मेरे सेकुलर हिंदू भाइयों से और सारे धर्म के मानने वालों से गुजारिश करता हूं कि ऐसे लोगों की बातों में ना आए और ना उनका साथ दें। बहुत बहुत शुक्रिया,
और झारखंड हुकूमत से खास करके मैं गुजारिश करता हूं कि ये वीडियो अगर आप तक पहुंची तो आप फौरन उन पर कार्रवाई करें, वरना हम यहां पे हमारे अपने स्टेट में इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाएंगे। थैंक यू वेरी मच।